हेलो गाइस, वेलकम टू इंजीनियरिंग हॉटस्पॉट। तो ये वाला क्वेश्चन का सॉल्यूशन आज बताने वाले हैं, और इस क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है वो 10% डिस्काउंट जितनी वैल्यू रखता है। अब गाइस, जिन जिन्होंने ये क्वेश्चन सॉल्व कर दिया है तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपको 10% डिस्काउंट मिल चुका है। और जिनसे ये क्वेश्चन नहीं सॉल्व हुआ है, कोई बात नहीं, उस एनवेलप में 3 कार्ड्स थे, राइट? एक कार्ड में डिस्काउंट नहीं था एंड 2 कार्ड्स में डिस्काउंट थे। अगर ये सॉल्व नहीं हुआ है तो दूसरा सॉल्व कर दीजिए, आपको दूसरे कार्ड में डिस्काउंट मिल जाएगा, बट आपको 10% डिस्काउंट उसमें मिल जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। और जिनसे सॉल्व हो गया है उनके लिए बता देते हैं, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अगर आपका ऑप्शन सी आया है तो कॉन्ग्रेचुलेशन, आपको आपका डिस्काउंट मिल गया है। और जिनका सी नहीं आया है उनको बेसिक से समझा देते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कैसे होते हैं, और आपसे हमेशा इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। चलिए देखते हैं। देखो, सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पूरा डी एंड आधा डी। ये पूरा डी है, ये आधा डी है, तभी तो इसको पार्शियल डिफरेंशिएशन बोलते हैं, इसको कंप्लीट डिफरेंशिएशन बोलते हैं। तो पूरे डी का मतलब बताते हैं चलो, एंड पार्शियल डी का मतलब बाद में बताएंगे। पूरे डी का मतलब मान लो एक फंक्शन है एक्स और वाई के अंदर, लेट्स से एक्स इंटू वाई, एक्स वाई अगर फंक्शन है मेरा एक्स वाई, ठीक है। अब इसको मेरे को पूरा डिफरेंशिएशन करना है, लाइक डी एफ बाय डी एक्स। अगर मैं ऐसे डिफरेंशिएट कर रहा हूं तो मुझे क्या मिल रहा है, अब इसको डिफरेंशिएट करो। पहले मैं एक्स को डिफरेंशिएट करूंगा, फिर वाई को कॉन्स्टेंट रखूंगा, तो वाई और एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, डी एक्स बाय डी एक्स इज 1, प्लस इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इंटू एक्स। अब इसके बाद क्या करना है, तो इसका डिफरेंशिएशन, फुल डिफरेंशिएशन तो ऐसा हो गया इसका, राइट? और अब मैं पार्शियल डिफरेंशिएट करता हूं इस चीज को, लाइक अब इसी फंक्शन को मैं पार्शियल डिफरेंशिएट करके समझाता हूं कि पार्शियल डिफरेंशिएशन होता क्या है, ठीक है। ये तो कंप्लीट डिफरेंशिएशन वाली पार्ट देख लिया, अब पार्शियल डिफरेंशिएशन वाला पार्ट देखते हैं। लाइक यही फंक्शन लेते एक्स कॉमा वाई इक्वल टू एक्स वाई, अगर मैं इसको पार्शियल डिफरेंशिएट करूंगा सिर्फ एक्स के रेस्पेक्ट में, लाइक मैं बोलूंगा डो एफ बाय डो एक्स, तो कुछ नहीं होता गाइस। पार्शियल डिफरेंशिएशन में होता है जिसके रेस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट कर रहे हो उसको तो वेरिएबल मानो, एंड उसके साथ जो भी चीज अटैच है दूसरे वेरिएबल्स को सबको कॉन्स्टेंट मानो, सिंपल। तो मेरे लिए वाई क्या हो गया, मेरे लिए वाई कॉन्स्टेंट हो गया, तो मेरे लिए y कॉन्स्टेंट हो गया, तो y मैंने बाहर निकाल दिया और मैंने x का डिफरेंशिएट करके कर लिया जो कि मेरा 1 हुआ, तो मेरा डो एफ बाई डो एक्स क्या हो गया, y। जैसे कि मैं आपको बताता हूं, मान लो जैसे कंप्लीट डिफरेंशिएशन, मान लो आप फंक्शन 2x का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं और इसका डी एफ बाई डी एक्स क्या होता है, 2 होता है ना। क्यों 2 हो जाता है, क्योंकि अपन ने क्या माना, x को वेरिएबल माना, 2 हमारा कांस्टेंट होता है, 2 बाहर आ गया। सेम मैंने इस x को वेरिएबल मान लिया क्योंकि मेरा x से ही डिफरेंशिएशन हो रहा है, और मेरा y को क्या माना, y मेरा कांस्टेंट हो गया, y बाहर आ गया। सेम इसका एक तो ये पार्ट हो गया, अगर मैं इसको पार्शियल डिफरेंशिएट y के रेस्पेक्ट में करता डो f बाय डो y, तो मेरा क्या निकल के बाहर आता, अब मेरा y वेरिएबल होगा और मेरा x क्या होगा, कांस्टेंट, तो मेरा x बाहर आ जाएगा, y मेरा वेरिएबल हो जाएगा, तो y मेरा वेरिएबल हो गया, x मेरा कांस्टेंट हो गया, तो x बाहर आ गया और y वेरिएबल, y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट क्या हो गया, डो एफ बाई डो वाई इट्स 1, ठीक है। सेम अगर इस चीज को और करके देखते हैं, हटाओ, अगर मेरा कुछ होता एक्स वाई स्क्वायर ऐसा होता है तो क्या होता है, सब बताओ, डो एफ बाय डो एक्स क्या हो गया मेरा, क्या हो गया मेरा, अब डो एफ बाई डो एक्स मतलब मेरा वाई स्क्वायर पूरा क्या हो गया मेरा, कांस्टेंट, और मेरा एक्स क्या हो गया, वेरिएबल, और एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1, तो मेरा क्या आ जाएगा बाहर, वाई स्क्वायर। सेम गोज विथ, अब मैं लेता हूं डो एफ बाय डो वाई, ओके, अब मेरा क्या वेरिएबल हो गया, वाई तो मेरा वेरिएबल हो गया और एक्स मेरा कॉन्स्टेंट हो गया, तो x तो मेरा कांस्टेंट बाहर आएगा और y वेरिएबल का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2y, तो मेरा फाइनली क्या निकल के आया गया, इसका डिफरेंशिएशन डो एफ बाई डो वाई 2xy। जैसे कि मैंने यहां पर बोला था, अगर मैं इस 2x की जगह मैं बोलता ये x स्क्वायर है
और इसको डिफरेंशिएट कर रहा df by dx, तो क्या बाहर आता, 2x बाहर आता। सेम गाइस, उसी तरीके से बेसिकली अपन ने क्या करा, अगर मेरा पार्शियल डिफरेंशिएशन एक वेरिएबल को रखा दूसरे को कांस्टेंट मानेगा, अगर इसको करेंगे पार्शियल डिफरेंशिएट तो इसको कांस्टेंट मानेंगे, सिंपल यही लॉजिक लगाएंगे इस पूरे क्वेश्चन में। ठीक है गाइस, तो गाइस इस क्वेश्चन को देखते हैं, यहां पर क्या है, f इक्वल्स टू y टू द पावर x, तो इसको दोनों डिफरेंशिएट करना, लाइक पहले मैं दो बार, पहले मैं देखो इसमें दोनों वेरिएबल है, डोए बाय डोएक्स से भी है, डोए बाय डोवाई से भी है, तो मैं दोनों अलग अलग कर दूंगा। तो पहला मैं निकालता हूं, पहले मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूं, कौन सा, डाओ एफ बाय डाओ एक्स, ठीक है, तो डाओ एफ बाय डाओ एक्स पहले करूंगा। अब डाओ एफ बाय डाओ एक्स करेंगे तो मेरा क्या वेरिएबल हो गया, एक्स मेरा वेरिएबल हो गया और वाई मेरा कॉन्स्टेंट हो गया। चलो लेट सी, करके देखते हैं, अगर मान लो कोई डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन, एक्स तो मेरा वेरिएबल हो गया, एक्स तो मेरा वेरिएबल हो गया, वाई मेरा कांस्टेंट हो गया, तो देखते हैं ए टू दी पावर एक्स का डिफरेंशिएशन होता क्या, ए मतलब वेरिएबल, या फिर आप ले लो, चलो इसका पहले डिफरेंशिएशन, तो डीएफ बाय डीएक्स क्या होता है, ए टू दी पावर एक्स इंटू एल एन ए, हम सबने पढ़ा है, ठीक है। अगर मेरा ए, अगर मेरा ए कॉन्स्टेंट है तो करते, अगर अगर मैं डाउ एफ बाई डो एक्स कर रहा हूं तो मैं क्या मान के चल रहा हूं कि मेरा वाई कॉन्स्टेंट, तो कर लो भाई, तो कैसे करेंगे इसको, देखो वाई टू दी पावर एक्स इंटू एल एन वाई कर दिया। अब मैं क्या करूंगा, ये है डाउ स्क्वायर एफ अपन डो एक्स डो वाई, अब इसी को डिफरेंशिएट, ये मेरा नया फंक्शन हो गया, इसी को डिफरेंशिएट करूंगा मैं इस फंक्शन को वाई के रेस्पेक्ट में। तो चलो स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं, डाउ स्क्वायर एफ अपॉन डाउ एक्स डाउ वाई, मतलब डाउ एफ बाई डो एक्स करा, अब इसी फंक्शन को मैं वाई के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहा हूं, तो यहां पर स्क्वायर आ जाएगा, नहीं डाउ वाई आ जाएगा, तो इसी फंक्शन को वाई के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो। अब क्या होता गाइस, दो वेरिएबल होता है, लाइक पहले तो मैंने ये वाली चीज बता दी, चलो ये वाली चीज ओवर करो, एक और डिफरेंशियल, अगर आपके पास ऐसा फंक्शन आता है, मान लो आपके पास कैसा फंक्शन आ रहा है, फॉर एग्जाम्पल आपके पास में दो मल्टीप्लीकेशन वाले फंक्शन आते हैं, राइट, दो मल्टीप्लीकेशन वाले फंक्शन आते हैं, तो आप क्या करते हो, उसको क्या करते हो, एक को डिफरेंशिएट, लाइक ए इंटू बी आता है, तो आप क्या करते हो, एक को डिफरेंशिएट करते हो, बी से मल्टीप्लाई करते हो, प्लस बी को डिफरेंशिएट करते हो, ए से मल्टीप्लाई करते हो। तो वही चीज करनी है, आपके पास में दो वेरिएबल है और आपको किससे वेरी करना है, इस बार वाई को वेरी करना है, एक्स को कॉन्स्टेंट रखना है, तो वाई को वेरी करना है, एक्स को कॉन्स्टेंट रखना है, तो आप क्या करोगे, पहले तो आप सेपरेट करो, मैं पहले किसको डिफरेंशिएट करूंगा, पहले मैं एल एन वाई को करूं या वाई की पावर एक्स करूं, लेट्स वाई की पावर एक्स को करता हूं, तो इसमें एक और डिफरेंशिएशन आता है, अगर मेरा फंक्शन कैसा होता है, अगर मेरा फंक्शन है एक्स टू दी पावर ए, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है, ए एक्स टू दी पावर ए माइनस वन, वही तो चीज है। क्यों है वो चीज, क्योंकि इस बार गाइस मेरा x मेरा कांस्टेंट है और y मेरा वेरिएबल है, क्योंकि मैं y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहा हूं पार्शियली, तो यहां से क्या निकालूंगा, पहले मैं x बाहर निकालूंगा, y इंटू एक्स माइनस वन इंटू एल एन वाई, क्योंकि एक का डिफरेंशिएशन दूसरा मल्टीप्लाई, प्लस अब मैं क्या करूंगा, इसका डिफरेंशिएशन ये मल्टीप्लाई, इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, एल एन वाई का डिफरेंशिएशन क्या होता है, क्या होता है गाइज, इधर देखते हैं आ जाओ, अगर मेरा फंक्शन एल एन एक्स है तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा एक्स के रेस्पेक्ट में, वन अपॉन एक्स, यही तो होता है, तो सेम चीज यहां करेंगे तो क्या आ जाएगा, वन अपॉन वाई इंटू, इसका डिफरेंशिएशन इंटू वाई टू दी पावर एक्स, कुछ नहीं करना गाइज, ये मेरा बाहर निकल के आ गया, और इसके अंदर अब मेरे को कुछ नहीं करना, एक्स की वैल्यू टू रखनी है, वाई की वैल्यू वन रखनी है, ठीक है, तो x की वैल्यू 2 रखो, y की वैल्यू 1 रखो, 2 इंटू वन टू दी पावर 2 माइनस वन इंटू एल एन वन प्लस 1 अपॉन वन इंटू वन टू दी पावर 2, तो गाइस क्या हो गया, एल एन वन मेरा 0 होता है, 0 से सब कुछ मल्टीप्लाई हो गया, तो ये पूरा टर्म क्या हो गया, जीरो, एंड वन की पावर टू वन होता है, तो वन अपॉन वन वन होता है, तो निकल के क्या आ गया,
वन, तो मेरा डो स्क्वायर एफ अपॉन डो एक्स डो वाई मेरा निकल के क्या आया, वन, एंड दिस इज माय करेक्ट आंसर. तो ऑप्शन सी इज माय करेक्ट ऑप्शन. तो कुछ नहीं, इन हिंट से आपको समझ में आना चाहिए कि बेसिकली ये चार डिफरेंशिएशन यूज करे और हमने आंसर निकाल दिया डो स्क्वायर एफ अपन डो एक्स डो वाई इक्वल टू वन. आई होप गाइस आपको समझ में आया होगा. तो बस यही टेक्निक रहेगा, यही तरीका रहेगा, इसी तरीके से मैथ इजी कर देंगे आपको पढ़ाते पढ़ाते और मैथ से प्यार करवा देंगे आपको.